गुड, गंगा ने अपने कन्फेशन पे साइन कर दिया और आगे की पूछताछ के लिए मुझे इसे अपने साथ लेके जाना होगा। फांसी हो जाएगी तुझे गंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। 18 साल से कम उम्र वाले क्रिमिनल्स को फांसी नहीं होती। अगर जिम साबित हो गया तो गंगा को रिमांड होम में रहना पड़ेगा। मैं यहाँ काहे ले आए तुम? ये कोई नया वाला रिमांड होम है का? साबित हो गया कि बरखा मासी को हम ही ने मारा है? सच तो ये है गंगा कि तुम तीनों ही बेगुनाह हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। मुझे ये भी पता है कि बरखा का कातिल कौन है। राज, राज ने बरखा का कत्ल किया है। हेलो अंकल, मेरे फिंगरप्रिंट्स पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। फोन से अपना नंबर डिलीट कर देता हूं। होटल के कैमरा में सबकी फोटो आई लेकिन उनकी कहीं नहीं आई। गुड क्वेश्चन। कैमरा ने राज को भी कैप्चर किया था लेकिन उस हिस्से को डिलीट कर दिया गया। मेरा मतलब है मिटा दिया गया राज के कहने पर। गंगा तुम्हें याद है जब हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तब कुछ देर के लिए राज वहां से गायब हो गया था और जब मैंने उससे पूछा कि वो कहां था तो उसने कहा मैं बाहर गया था पान खाने के लिए। मैं बाहर गया था पान खाने के लिए। इंटरेस्टिंग। आई मीन इतनी टेंशन की सिचुएशन में आपको पान कहां से याद आ गया? वैसे कौन सा पान खाना पसंद करते हैं आप? बनारसी या कलकत्ता? बनारसी मीठा। लेकिन उसके होंठ पर और दांतों पर पान खाने का कोई निशान नहीं था। तभी मुझे उस पर शक हो गया कि ये बंदा कोई गेम खेल रहा है। तुम लोगों से बात करने के बाद तुम्हारे घर से सीधे मैं होटल गई। मैडम बताओ क्या हुआ था, सच सच बताना वरना पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और वहां जाकर तुम दोनों का क्या होगा ना सोच भी नहीं सकते।
गौर से देखो इसे। क्या ये वही था? बताओ। बताते हैं मैडम, बताते हैं। हाँ मैडम, ये वो ही है जिसने हमको पैसे दिए थे वो रिकॉर्डिंग मिटाने के लिए। इतने पैसे देखकर लालच में आया मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हाँ मैडम। अरे वाह, हमें लगा तुम नकली वाले पुलिस हो, एकदम फुस। लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा, नकली पुलिस वाली। अब सन्नी जी एक बात बताओ, जब तुम्हें पता चला कि बरखा मासी को उसी ने मारा है, तो तुमने उसे पकड़ कर नहीं लिया? क्योंकि मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कोर्ट में साबित करने के लिए कि बरखा को मारने का मोटिव क्या था। क्या वजह हो सकती है कि राज ने बरखा का खून किया? कोई कारण तो होना चाहिए ना, जैसे तुम लोगों के पास था। कोई ना कोई वजह थी बरखा को अपने रास्ते से हटाने की। बस वो वजह मिल जाए। कम इन। हेलो मैम, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। Great, thank you. You may leave. तुम मुस्कुरा कह रही हो, क्या हुआ? मोटिव का पता चल गया है कि राज ने बरखा को क्यों मारा। मेरा मतलब कारण। अब सिर्फ कन्फेशन चाहिए मुझे। जैसे तुमने झूठ मूठ का अपना गुनाह कबूल किया था, वैसे राज का सच वाला कन्फेशन चाहिए। तुम्हारी हेल्प चाहिए गंगा इसके लिए मुझे। हमरी मदद? हाँ, तुम्हारी मदद करोगी ना? हाँ सन्नी जी, बरखा मासी के जान लेने वालों को पकड़वाने के लिए कुछ भी करेंगे हम। डरोगी तो नहीं? नहीं, बाबू और पापा कहते हैं सच की लड़ाई में जो डर गया वो हार गया, इसलिए हम डरेंगे नहीं। हेलो श्रेया जी, श्रेया जी, कोई घर पे है? हेलो माले, उन्होंने कहा तो यहीं पे आने के लिए था लेकिन यहां तो कोई है ही नहीं। श्रेया जी, श्रेया
ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? और ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? अतली जी की बंदूक है, चुरा के लाए हम। लेकिन क्यों? और तुम तो रिमांड होम में थी ना, तुम बाहर कैसे आई? भाग आए हम। मगर क्यों? तुम्हें मारने के लिए। पागल हो गई हो क्या? ये बच्चों में खेलने की चीज नहीं है, बंदूक है। अगर चल गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लाओ मुझे दो। होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सनी जी बोल रही थी, एक को मारो तो भी फांसी, दो को मारो तो भी फांसी। अरे रुक जाओ, तुम्हें फांसी का मतलब पता भी है? तुम मुझे मारोगी ना तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम भी मर जाओगी। इससे कह रहा हूँ, ये गन मुझे दो। हाँ हाँ नहीं, नहीं देंगे हम। गंगा देखो, रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। गंगा ऐसे मत करो। गंगा मेरी बात तो सुनो। अरे घर में कोई है? ये पागल हो गई है? कोई है घर में? एनीबॉडी हो? कोई नहीं है घर में, सिर्फ हम और तुम है। देखो ऐसे मत करो, मेरी बात सुनो तुम। गंगा किसी से चोट लग गई तो चिल्लाने लग गए तुम? चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गंगा मेरी बात सुनो। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम खूनी थोड़ी ना हो, तुम तो छोटी सी बच्ची हो, और खून करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तुमसे नहीं होगा ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ गन मुझे दो। कहने नहीं, बहुत हिम्मत है हमें। इससे बरखा मत को मारा है, वैसे तुम्हें भी मार सकते हैं हम। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम, बंद करो ये झूठ बोलना। झूठ नहीं बोल रहे, हम नहीं मारे बरखा मासी को। पागल हो क्या तुम क्या मारोगी किसी को? छोटी सी बच्ची हो तुम, और वो भी चाकू से किसी को मारोगी? नहीं नहीं, तुमने नहीं मारा है। तुम समझते कहीं नहीं, कितनी बारी गए, तुम नहीं मारे बरखा मासी को। मानते कहीं नहीं तुम? क्योंकि तुमने नहीं, मैंने मारा है बरखा को। अरे तुम्हारे बस की बात ही नहीं किसी की जान लेना, और अब तुम्हारी बारी है। और अब तुम मेरा राज जान चुकी हो, इसे बरखा की तरह तुम्हारा खेल भी खत्म। सिर्फ गंगा नहीं, हम सब तुम्हारा राज जानते हैं मिस्टर राज। मुझे तुम पर पहले ही शक था, जिसे श्रेया जी ने प्रूव कर दिया। गंगा तू ठीक तो है ना? गुड, अपना जुर्म कबूल कर लिया तुमने, और तुम्हारा कन्फेशन वो भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने।
आवाज रिकॉर्ड करने से क्या होता है, कोर्ट इसे सबूत नहीं मानता है। लेकिन कोर्ट डीएनए रिपोर्ट को तो मानता है ना, राइट? तुम्हारा ब्लड सैंपल करण, इस ब्लड सैंपल को डीएनए के टेस्ट के लिए भिजवा दो। यस मैम। मुझे पहले दिन से राज पे शक था, लेकिन वर्खा को मारने का मोटिव नहीं पता था। एंड आई न्यू कि मिस्टर चतुर्वेदी सच कह रहे थे कि इन्होंने वर्खा का खून नहीं किया। आपको क्रिमिनल साबित करने के लिए कई झूठी कहानी बनानी पड़ी मुझे। एक वकील होने के नाते आप इतना तो समझ पाते हैं कि एक केस सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। राज ने वर्खा को क्यों मारा, उसकी वजह मिल गई है मुझे। वर्खा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वर्खा अपनी शादी के बारे में आप सबको बताना चाहती थी, लेकिन राज इस बात से नाखुश थे। वर्खा के लिए अपने रिलेशनशिप को नाम देना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि वर्खा प्रेग्नेंट थी। वर्खा अपने होने वाले बच्चे को उसके पिता का नाम देना चाहती थी, और उसकी इसी जिद की वजह से तंग आकर राज ने वर्खा का कत्ल कर दिया। झूठ है ये, सरासर झूठ। तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट मैच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मेरी बेटी को तुमने मारा, धोखा दिया उसे। वर्खा के भोलेपन का फायदा उठाया, फिर उसे अपने रास्ते से हटा दिया। भगवान और कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। वर्खा मासूम थी, और इसीलिए तुम जैसे धोखेबाज इंसान पर भरोसा कर बैठी। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें सजाए मौत दिलवा कर रहूंगा मैं। मुझे माफ कर देना वर्खा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। सॉरी वर्खा मौसी, मैंने भी आपको गलत समझा, कितनी बुरी तरह बिहेव किया आपके साथ। I'm so sorry। इतनी तकलीफ सही उस लड़की ने और मौत मिली तो ऐसी। झूठ है ये सब।
दिखाने पे मजबूर कर दिया ना। इतना बड़ा गुनाह किया है और फिर भी बोले जा रहे हो। ले जाओ इसे। हमारी बरखा को मारने वाला कानून के हत्थे चढ़ गया है। इस बात की तो तसल्ली है ना तुम्हें? अम्मा जी मुझे माफ कर देना। बरखा के गम में न जाने मैं आपसे क्या क्या कह गया। माफ कर देना मुझे। बेटी के दुख ने इतना अंधा कर दिया था हमें कि सही गलत जान ही नहीं सके। माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बहुत गलत हुआ आपकी बच्ची के साथ। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। इस बात को लेकर मुझे हमेशा ईश्वर से शिकायत रहेगी। आप क्या बोलूं मैं? मासी बोल रही नहीं थी मैं गंगा। हाँ हमने भी खूब बुरा बुरा बोला उन्हें। आप सबको नाज होना चाहिए गंगा पर, बरखा के कातिल को पकड़वाने के लिए और अपनी फैमिली बचाने के लिए, जिसे ये अपना सब कुछ समझती है, अपनी खुद की जान दांव पे लगा दी। This is for you, Ganga. और हाँ, अगर बड़े होकर वकालत करने का इरादा बदल जाए तो मेरी टीम ज्वाइन कर लेना। हम दोनों मिलकर धमाल मचा देंगे। कोई क्रिमिनल नहीं बचेगा। Thank you. मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे तुम पर कितना गर्व है। I'm so proud of you. शालिग्राम से आपने मेरे परिवार पर भयंकर संकट से बचा दिया। एक क्षण को तो मेरा विश्वास ही डगमगा गया था। अपने आस्था पर संदेह हो रहा था मुझे। लेकिन उसी समय देवदूत की तरह गंगा ने आकर उस मुसीबत को अपने सर ओढ़ लिया। और हमारे परिवार की रक्षा की। है ना मुझे?
आप भी जानती हैं कि मेरी इस बात में कितनी सच्चाई है। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन उस बुरे वक्त में हमारे परिवार के लिए गंगा ईश्वर का अवतार बनकर आई थी। उस बच्ची को आप हमेशा कोसती रही, अपने परिवार के लिए अशुभ, अमंगल, मनुष्य मानती रही। आज उसी गंगा के कारण आपका परिवार आपके सामने सही सलामत है, वरना पता नहीं कि इस घटना के बाद गंगा की तरफ आपका रवैया बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए। आप कुछ ना कहें पर आपके मन की बात को समझता हूं मैं, और इस समय जानता हूं किस दुविधा ने आपके मन को घेर रखा है। कठोर बनने का दिखावा करती हैं आप, और गंगा बिल्कुल सही कहती है, आप नारियल की तरह ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। सच, सोने सा खरा दिल है आपका, और बस मैं यही चाहता हूं कि उस दिल में आप गंगा को भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए। बच्ची खुश हो जाएगी और आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी, और आप इस दुविधा से मुक्त भी। जैसे चढ़गी ऊपर बैठ गई, मुझसे काम करवा रही है। तो तुमने किसे रोका? हिम्मत है पेड़ पे चढ़ने की, तो तुम भी आ जाओ ऊपर। चिढ़ा मत गंगा, नहीं तो ये रस्सी छोड़ के चले जाऊंगा। अच्छा बाबा सारी। ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, समझे? लो, इससे रस्सी भी फेंकना नहीं आती तुम्हें। और ऊपर। हाँ, तो तू ही कर ले, ले। छोटी सी बात पे कितना चढ़ जाता है सागर। सब सुन लिया मैंने। चिढ़ाती है इसलिए चिढ़ता हूँ मैं। चढ़ तो गई है, अब उतरेगी कैसे? लो, उतर गए हम।
बंदरिया कहते हैं और इसका भी नहीं पता कि बंदरिया झट से पेड़ पे चढ़ भी जाती है और फटाक से नीचे भी उतर जाती है। देखा, अब तुम भी सीख लो पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं। नहीं बाबा, मुझे नहीं सीखना। काहे नहीं सीखना? डरते हो? ब्रेव नहीं बनना? ब्रेव नहीं, ब्रेव। हाँ वही। अब हम बैठे। अरे रुक, मुझे चेक तो करने दे कि रस्सी पक्की बंधी है कि नहीं। आजा, अब तू बैठ, बैठ। हम गिर ना जाए इसीलिए चेक कर रहे थे। नहीं, मोटी है ना तू, इसलिए चेक करा था कि रस्सी टूट तो नहीं जाएगी। मोटे नहीं हम। अच्छा चल मोटी, चुप बैठ, मैं झुलाता हूँ। बहुत ब्रेव समझती है ना गंगा तू अपने आप को, लेकिन एक नंबर की स्टूपिड है तू, स्टूपिड। बड़े आराम से कह दिया कि हमने मर्डर किया, फिर कभी ऐसा मत करना। अगर तेरी अफसनी जी को पता चलता कि राज अंकल ने मर्डर नहीं किया, फिर क्या होता तेरा? पूरी लाइफ रिमांड रूम में रहना पड़ता तुझे, बुद्धू गई थी। सागर, वो देखो कुल्फी, हमें कुल्फी खानी है, खिलाओ ना। अरे अभी तो समोसा खिलाया था तुझे, अब कुल्फी भी चाहिए? कितनी पेटू है तू गंगा, दादी गुस्सा हो गई तो? अच्छा, जब हमने समोसे के लिए मना किया था तो तुमने ही तो कहा था कि दादी की फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब क्या हुआ? हा? एक नंबर की बुद्धू है तू गंगा। बड़ा काम करके बहुत जोरों से भूख लगती है हमें। अच्छा बाबा खिलाता हूँ, और जब जब तू इतना डेंजर वाला काम करती है ना तो मेरी भूख तो मिट ही जाती है। अब चल। अरे तुम आ गई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो तुम्हारे इंतजार में रोना आ गया मुझे। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? आज मैं तुम्हारी मनपसंद सब्जी बना रहा हूँ, बैंगन भरवा। तुम्हें अच्छा लगता है ना? सुनिए। हाँ। आपको बोनस मिला? अगर मैंने अभी बता दिया कि इस साल मुझे बोनस नहीं मिल रहा तो प्रभा गुस्से में झगड़ने लगेगी और सबका मूड खराब हो जाएगा। अरे अभी नहीं आई पर एक दो दिन में आ जाएगी। और प्रभा बोनस की जरूरत क्या है? दिवाली की सारी तैयारी तो मेरी सैलरी से हो जाएगी। क्यों? आपकी सैलरी कितनी है? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितनी है? जो दिवाली आपकी सैलरी से मैनेज हो जाएगी। देखिए जी, मैं ना ऐसे कंगालों की तरह नहीं जी पा रही हूँ, और दिवाली तो कंगालों की तरह मना ही नहीं सकती। अरे प्रभा, पर तुमसे कंगालों की तरह दिवाली मनाने के लिए कौन कह रहा है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस बार मैं दिवाली की ऐसी तैयारी करूंगा ना कि तुम खुश हो जाओगी। पर आपको आपका बोनस मिलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, पर हम बोनस के भरोसे बैठ तो नहीं सकते ना। कुछ मैनेज कर लेंगे इस बार। तो ठीक है, आप है ना मैनेज करिए, मैं आपके बोनस का इंतजार करूंगी। और प्रॉमिस करिए पूरा बोनस आप मेरे हाथ में रखोगे, ठीक है? और आपको मेरे सर की कसम है, आप ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, मैंने कैसे खर्च कर दिया, आप ये नहीं पूछेंगे। आपको पता है पूरे साल होली और दिवाली का तो इंतजार करती रहती हूँ मैं, मेरे ना इतने सारे अरमान है, और वो अरमान मैं अब पूरे नहीं करूंगी तो क्या बुढ़ापे में जाके पूरे करूंगी? मैं अभी आता हूँ। और भरवा बैंगन एकदम मेरी तरह बनाना,
चटकदार। हमारी वाली आइसक्रीम ज्यादा अच्छी है। नहीं, मेरी वाली। हमने कहा ना हमारी वाली अच्छी है। मैंने कहा ना मेरी वाली अच्छी है। की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं। हाँ, पप्पी की आवाज है। तो छोटा वाला कुत्ता ना? हाँ। बेचारा कितनी मुसीबत में होगा। लेकिन है कहाँ वो? इन्फेक्शन हो जाएगा तुझे। ये बालों में कीड़े हुए तो? कीड़े मीड़े नहीं है। इसका गंदा हो गया ना ये? हाँ तो इसे गोदी में क्यों उठाया है? नीचे छोड़ना इसे। गंदा है तो क्या हुआ, छोड़ दे इसे। अभी पानी से ला के साफ कर देंगे। पानी ले आओ ना सागर प्लीज। ओके ठीक है, लाता हूँ। अंकल पानी आपके पास? हाँ। ये लड़के किसी की सुनती ही नहीं है। अंकल देना। ले लीजिए। ये ले गंगा। तुम्हारी बहन है ना बरखा, उन बदमाशों को उसके साथ बदतमीजी करने देता? पागल हो गई तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। जो आजकल देख रही हूँ, सुन रही हूँ, उसके बाद और करूँ भी क्या? मैं दे देता। थैंक यू जीत। हेलो, मुझ पर शक कर रही हो तुम? माधवी तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर सकता हूँ, वो भी इस तरह का धोखा? सुनी सुनाई बातों पर कभी शक नहीं करते और ना कभी करूंगी। आपने मुझे शक करने की वजह दी और सबूत भी। बहू जी, बहू जी, नीचे वकील बाबू आपको बुला रहे। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जी कैसे जाऊं उनके सामने? उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने सिर्फ अपने पति पर ही नहीं, जन्म जन्म के बंधन पर शक किया। कितना गलत समझा सागर के पापा को। वो कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हूँ। क्या हो गया था मुझे? सही कहते हैं सागर के पापा, इतने वर्षों में उन्हें इतना ही पहचान पाई मैं। क्या करूं, मैं तो उनसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रही। माधवी, क्या हुआ माधवी? मैं और अम्मा जी कितनी देर से तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, इतनी देर क्यों? माधवी, माधवी, मैंने आप पे शक किया। आप कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है पर मैं सुनने को ही नहीं तैयार थी। अपने इतने सालों के रिश्ते को नहीं समझ पाई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे।
जैसे पागलपन सवार हो गया था मुझ पे। तनी जलन थी कि क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे माफ कर पाएंगे? कैसी बातें कर रही हो माँ जी, तुम्हें बताने की जरूरत है कि क्या हो तुम मेरे लिए, कितना चाहता हूं मैं तुम्हें, और प्यार तो तुम भी मुझसे बहुत करती हो, क्योंकि जहां प्यार होता है वहीं अपने प्यार को खोने का डर, और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हालात ही ऐसे थे कि शक तो होना ही था, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चलो बस बस चुप हो जाओ। अरे माधवी बस बस करो रोना, देखो मेरा कुर्ता भीग रहा है तुम्हारे आंसुओं से।